राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। प्रेमियों, ब्रज दर्शन की श्रृंखला में लगातार अध्यात्म मीडियम ब्रज के हर वो नवीन लीलास्थली, प्राचीन लीलास्थली, वृंदावन के गलियों में संतों के दिव्य स्थली, संत महापुरुषों के आशीर्वाद नित्य लगातार प्राप्त हो रहा है। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्रीधाम वृंदावन के अति प्राचीन स्थान, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई है। और क्या लीला हुई है हम जानेंगे वो लीला स्थली के बारे में यहाँ के सेवाधिकारी से। तब तक मैं आपको एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अध्यात्म मीडिया ब्रज का वो चैनल नंबर वन बन चुका है, जिसमें वृंदावन के अनेक तमाम संत महापुरुष नित्य नई आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊँगा, यह मंदिर स्थित है अभी वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित अटल्ला चुंगी, इसको कहते हैं अटल्ला चुंगी। और ये अटल्ला चुंगी जो है, ये अटल्ला जो नाम है वो इसी मंदिर के नाम से, ठाकुर जी के नाम से उस इस स्थान को जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी आज भी वो प्राचीन दर्शन आपको मिलेंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आपको दिखाने के लिए, ये अटल वन बिहारी जी का चुंगी है, चौराहा है, ये मथुरा वृंदावन मार्ग है। लेकिन मैं आपको ये दिखाऊँगा कि ये जो रास्ता जा रही है परिक्रमा मार्ग, यह सीधा परिक्रमा मार्ग की ओर रास्ता जा रही है। और सामने हमारे ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज का सेवा है, गिरिराज जी का दर्शन आप कर पा रहे हैं। और आप लगातार देरी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज आप दर्शन कर रहे हैं परिक्रमा मार्ग स्थित वृंदावन धाम के गलियों में परिक्रमा स्थित ठाकुर श्री अटल वन बिहारी जी महाराज। ठाकुर श्री अटल वन बिहारी जी महाराज की एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और ये अटल बन रहा है। आज आप भले ही इस जगह को एक सिटी में तब्दील, शहर में तब्दील हुए देख रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि यह बंद था और यहाँ पर भगवान की, श्री कृष्ण ने लीला करी है। और क्या लीला करी है मैं आपको थोड़ा भी देर ना करते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठाकुर श्री अटल वन बिहारी जी महाराज का दर्शन। उसके पहले मैं आप कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाने के लिए कि मैं यहाँ के जो सेवाधिकारी हैं, यहाँ के जो सेवाधिकारी हैं, इनके जो नाम है रामकिशन शर्मा जो यहाँ के सेवाधिकारी हैं और पुजारी हैं, यहाँ के बारे में यह बात बताएंगे कि कैसे रहा ठाकुर श्री अटल वन बिहारी जी महाराज का, क्या इतिहास रहा है, क्यों नाम पड़ा अटल वन बिहारी। और सबसे बड़ी बात, श्यामा श्याम की इस नगरी में, वृंदावन की इस नगरी में ठाकुर जी यहाँ सिर्फ अकेला क्यों विराजमान है, राधा रानी यहाँ नहीं है, ठाकुर जी के संग यहाँ राधा रानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अति प्राचीन स्थान है। आप कन्हैया पांडे इस स्थान का एक छोटा सा बालक भी रहा है और इस स्थान से बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ है, प्राचीन स्थान है। तो मैं एक बार सेवाधिकारी से कहूँगा आप एक बार खड़े हो जाएं और ठाकुर जी के बारे में बताएं कैसे, क्यों नाम पड़ा इनका अटल वन बिहारी जी महाराज। श्री राम वृंदावन में स्थित श्री अटल वन बिहारी जी महाराज, आप जान ही चुके हैं भैया से इनके बारे में, और मैं भी बता देता हूँ, यहाँ वृंदावन में सभी स्थान भगवान की लीलाओं से संबंधित निश्चित हैं। यहाँ की भी एक लीला हुई है पूर्व में भगवान की, बाल स्वरूप में भगवान जिस समय गाय चराते थे उसी समय की एक लीला है। उसमें ऐसा ही सुनने में आया गुरु लोगों के द्वारा कि भगवान एक दिन जंगल में गाय चराने जाते हैं, जंगल से लौटते समय थोड़ी देर होती है तो राधा रानी विचार करती हैं, अपनी सखियों के सहित उन्हें देखने आती हैं, तो भगवान जंगल में ही खिचड़ी का भोग बना के खाते रहते हैं। तो उनकी लीला में उन्होंने सखी भेष बना के जाती हैं भगवान कृष्ण के पास और कहती हैं कि ठाकुर जी महाराज आए हैं, आप उनको भोग दो, खाने को भोग देने के लिए। जब ठाकुर जी सुनते हैं तो कि मेरी लीलाओं में ठाकुर जी महाराज यहाँ नहीं आ सकते, उन्होंने ध्यान किया तो राधा रानी ध्यान में आई, तो उनका स्वरूप स्मरण होते ही राधा रानी के दर्शन करने ठाकुर जी पहुँचने लगे, तो देख के राधा रानी शर्मा गई। तो ठाकुर जी को बड़ा प्रेम आया, बोले कि जय हो किशोरी जी, आप तो इस भेष में बड़ी सुंदर लग रही हैं, ठाकुर जी का स्वरूप आपने धारण किया है और मेरी ये इच्छा है कि आप इसी भेष में भक्तों को कलयुग में आने वाले समय में दर्शन दें। तो राधा रानी ने प्रार्थना की, प्रभु ठीक है आपकी इच्छा की पूर्ति मैं करूँगी, लेकिन मैं अकेले कैसे दर्शन दूँ, तो आपको भी यहाँ बैठना पड़ेगा। तो ठीक है कि तो गोरदाव जी के रूप में राधा रानी वहाँ गोरदाव जी में बैठी हैं और यहाँ अटल वन पे श्री अटल वन बिहारी भगवान कृष्ण बन के बैठे हुए हैं। तभी से ये अलग अलग परंपरा होती हुई भी दोनों एक ही सम्मिलित अवतार मानते हुए हम सभी भक्त लोग उनके दर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो आपको ये रामकिशन शर्मा जी ये बता पा रहे हैं कि ठाकुर जी यहाँ अकेला क्यों हैं, इसके बारे में आपने जाना। इस स्थान का नाम अटल वन क्या ठाकुर जी के नाम से? हाँ, ये पूरा एरिया अटल वन बिहारी है, अटल वन के नाम से ठाकुर जी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर किस संप्रदाय की सेवा होती है? यहाँ रामानंदी संप्रदाय की सेवा होती है। महंत जी का नाम? श्री जानकी दास जी महाराज एवं श्री अवधेश दास जी महाराज।
उसके उनके पहले महंत का क्या, आपने आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ आश्रम से 30-35 साल से जुड़े हुए हैं, अपने गुरु निष्ठा में यहाँ सेवा देते हैं, और पिछले समय से हमारे गुरुजी भी यहाँ 60-65 साल से सेवा करते रहे, बाबा गुरु श्री राम शरण दास जी महाराज। यहाँ के प्राचीन महंत हुए राम शरण दास जी महाराज, उनके सेवायत शिष्य कृपा पात्र महंत श्री जानकी शरण दास जी महाराज, जो हमारे धर्म के मामा थे, और आपकी शरीर अभी ठाकुर जी के चरणों में लीला विलीन हो चुकी है, और अभी यहाँ पर आप लोग सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, हमें हमारे गुरु भाई हैं श्री अवधेश दास जी महाराज, एवं हम ही कई प्रकार सब भक्त लोग सब यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी, तो भैया ये बताएं आपके यहाँ ठाकुर जी के साथ राधा रानी इसीलिए नहीं है कि गोरदाव जी है वहाँ पे? हाँ, राधा रानी ने क्या बोले, ठाकुर जी ने कहा कि बोले आप बैठेंगी तो मैं बैठूंगा, तो बोले वहाँ राधा रानी बैठी हुई है। आप तो सेवा अधिकारी हैं, कभी आपको ऐसा भी महसूस हुआ है अटल वन बिहारी जी महाराज का, कभी आपने एक उसको हृदय में कभी इनकी छवि या आपसे साथ इनकी कोई लीला, कभी इनकी बंसी की धुन, कभी राधा रानी के पायल की धुन, ऐसा कभी आपने श्रवण किया है? नहीं, हमने कई बार देखा है, हमारे द्वारा हमारे आश्रम से जुड़े हुए भक्त हैं यहाँ आए, वो बड़े अपने जीवन में दुखी थे, उन्होंने यहाँ आके पिछले दो गए कि भगवान कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमने यहाँ हमारे सामने ठाकुर जी के सामने बोल रहे थे तो हमको कुछ सहन नहीं हुआ, हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की, नहीं ठाकुर जी ऐसा कैसे बोल रहा है। उसी रात में हमको कुछ एहसास होता है, हमको भी होता है, जिसने बोला उसको भी होता है। वो सुबह ठाकुर जी के सामने रोने लगा तो हम उससे पूछ रहे हैं भैया तू क्यों रो रहा है, ठाकुर जी ने तो मेरे को ऐसे चांटा दिया है गाल पे मेरे को, और मेरे गाल पे चांटा देके बोल रहे मूर्ख ऐसा नहीं सोचना वृंदावन धाम में पूरे में, नहीं मैं कहीं बैठा हूँ एक कण में। आप तो ब्रजवासी हैं, कभी आप भगवान श्री कृष्ण के बंसियों का धुन सुना है कभी अपने जीवन काल में? बंसियों का धुन सुनना न सुनना एक अलग विषय है, लेकिन उसका एक आवाज तो हमें हर समय होता ही है बंसी। ऐसा क्या है इस ब्रज, ऐसा क्या इस ब्रज मिट्टी में, ऐसा क्या इस ब्रज रज में लोग खींचे चले आते हैं? भगवान के माधुर्य रूप के दर्शन ब्रजभूमि में होते हैं, जो माधुर्य रस है यहाँ उसी रूप के दर्शन सब जगह होते हैं, और उसी रस में रसावर होने के लिए अन्य क्षेत्रों से यहाँ सब लोग आते हैं और उसके रस का आनंद लेते हैं। और भी आने वाले दर्शनार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाली परंपराओं में रूढ़िवादी और दुनिया भर की सिस्टम को छोड़ते हुए भगवान में आस्था रखें, धाम में आस्था रखें, वृंदावन में आस्था रखें, और इसका सेवन करते रहें, इसी में अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो ये हैं, आप दर्शन कर पा रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार अटल वन बिहारी ठाकुर जी का दर्शन कराने के लिए आप सभी घर बैठे, अपने घर बैठे कहीं भी कभी भी आप दर्शन कर सकते हैं अध्यात्म मीडिया के साथ। अध्यात्म मीडिया आप सभी दर्शकों के प्रेम से एक बहुत ही सुंदर चैनल बनते जा रही है, कृपा आपकी है कि आप अपना बहुमूल्य समय दे करके अध्यात्म मीडिया को आप इतना देखते हैं और आप मंगलमय दर्शन कर पा रहे हैं ठाकुर श्री अटल वन बिहारी जी महाराज अटल्ला चुंगी यह स्थान, और अटल वन के एक स्वामी, इनको कहेंगे अटल वन के एक स्वामी, और साथ में नीचे जुगल स्वरूप हैं, आप देख पा रहे हैं जो मंदिरों की जो श्रृंगार की जाती है, शालिग्राम जी हैं, गिरिराज जी हैं, और भी बाल गोपाल का स्वरूप हैं, महंत श्री राम शरण दास जी महाराज का छवि आप देख पा रहे हैं, जिनकी बहुत निष्ठा रही है, बहुत कृपा रही है इस मंदिर पर। और आप देख पा रहे हैं अभी राम शरण दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य, जिनकी शरीर अब नहीं रही, जानकी शरण दास जी महाराज, और आप संतों की कृपा से, महंतों की कृपा से यह मंदिर आज विकसित के रूप में है, और यहाँ के जो अभी जो सेवाधिकारी रूप में कहेंगे जो महंत के लिए गद्दी पर बैठने वाले हैं अवधेश दास जी महाराज, वो अभी किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण अभी मैं उनको उपस्थित नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप हमारे रामकिशन भैया जी हैं, आप भी इस मंदिर से काफ़ी जुड़े हुए हैं, और आप भी यह शरीर बचपन से जुड़ा हुआ है, और आज गर्व हो रही है कि हमारे अटल वन बिहारी जी महाराज का आज मंदिर विकसित की ओर पे है, और आपकी और हम सब की कृपा बनी रहे। कृपा तो ठाकुर जी की होती है, लेकिन हमारी सहयोग हम उस हवन में आहुति डाल सकें। तो हमारे यहाँ पे एक और हैं, ये यहाँ पे आश्रम में ये कंठी माला की दुकान चलाते हैं, आपका नाम क्या है? दाऊदयाल कौशिक। क्या बताना चाहेंगे आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में? जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जी। मैं 2007 में यहाँ पर पांडित्य कर्मकांड पढ़ने के लिए आया था, तो एक पुस्तक आती है, खंडेलवाल की दुकान है यहाँ पे विद्यापीठ चौराहे पे, वहाँ से एक पुस्तक आती है अटल बिहारी की, तो उसमें अटल बिहारी का पूरा चरित्र दिया गया है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री, आपने आप व्यक्तिगत यहाँ पर क्या आपका अनुभव हुआ वो बताइए, क्योंकि अध्यात्म मीडिया जहाँ भी जाती है बिना शास्त्रों का अध्ययन किए
किसी भी प्रकार के कोई दर्शन नहीं कराती। तो मैं यहाँ केवल एक सेवा अधिकारी हूँ, मतलब केवल महाराज जी की तरफ से कंठीमाला की दुकान है महाराज जी की, तो उसमें महाराज जी ने मेरे को बिठा रखा है, तो मैं कंठीमाला बनाता हूँ। आपको यस मंदिर पर रह के कितना आनंद मिलता है ये बताइए। मंदिर पर रह के मेरे को इतना सुकून मिलता है कि मेरे को यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाने का मन ही नहीं करता है मेरा। ठाकुर जी का सेवा भाव में आप रहे लगे रहते हैं? जो भी मेरे से सेवा भाव बनता है वो मैं करता हूँ, और बाकी टाइम में दुकान में व्यतीत करना पड़ता है मेरे को। तो ये हैं हमारे यहाँ के जो सेवा सेवक के स्वरूप में जो यहाँ पे बैठते हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमें यहाँ सुकून मिलता है। सुकून तो पूरे विश्व को ब्रज में मिलती है, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, ताइवान, इंग्लैंड, मलेशिया, भारत के लोग न जाने कहाँ कहाँ से लोग खींचे चले आते हैं सिर्फ एक नाम कृष्ण नाम, सिर्फ एक नाम राधा नाम, सिर्फ एक नाम श्री ब्रजधाम। तो आप बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, मैं कन्हैया पांडे, अटल वन विहारी मंदिर से वृंदावन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए आप बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ। राधे राधे।